तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े। अभा बात कल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने को लेकर सीएम नीतीश कुमार चर्चा में थे। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं इस मुद्दे पर बुधवार को सीएम ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि खबरें छप रही थी कि हम बैठक में नहीं जा रहे, हमारी तबीयत खराब थी, बुखार से पीड़ित थे, संभव है कि मैं बैठक में ना जाऊं। गठबंधन की अगली बैठक में हमें भविष्य की योजना बनानी चाहिए, देर नहीं कीजिए, हम 1 साल से कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 100 डिग्री से कम बुखार था, खांसी और जुकाम था, जानबूझकर 5 दिन घर में पड़े रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने का सवाल ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में अब सब कुछ तय हो जाना चाहिए। बीच बीच में अलग अलग पार्टी चुनाव में लग जाती है, हम तो चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर काम करें, जल्द से जल्द सारी बातें फाइनल हो जाए तब ठीक रहेगा। अब समय नहीं है इस काम को लेकर, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूँ। वहीं कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम में हार जीत लगी रहती है, कांग्रेस को भी अच्छा वोट मिला है। वहीं 10 दिसंबर को पटना में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के सवाल पर सीएम ने कहा मीटिंग में जरूर शामिल होंगे। आगे उन्होंने कहा कि ये लोग देश में जाति आधारित गणना कराते तो कितना फायदा होता, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो कितना बिहार का विकास होता, बिहार एक पौराणिक धरती है, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो काफी अच्छा होगा, राज्य के हित पे अपना काम करता हूँ, हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं। कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से, जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से, अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज़ हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश के, और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें, तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना, हम लोग आंदोलन भी किए, आबाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब कुछ किए हैं, तब आगे कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े, और बाकी हम किसी पर कुछ, इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं। आज का हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं धर्म का, बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है, आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे।